नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। बच्चों, आप लोग को पिछली वीडियो में पाठ 4 मूर्ख को उपदेश से भाषा कौशल कराया गया था, जिसमें प्रश्न ख बताया गया था। आज मैं आप लोगों को प्रश्न ख बताने जा रहा हूँ। प्रश्न ख है, समझो और नए शब्द बनाओ। ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है, समझो और नए शब्द बनाओ। इसको समझना है और एक नया शब्द बनाना है। कैसे? ऊप हो गया, पर हो गया, स्व हो गया, असम हो गया, ये मिलाना है देश से। पारंपरिक शब्द को अलग अलग मिलाना है। तो देखिए, अगर हम ऊप को देश से मिलाते हैं, ऊप प्लस इस देश को मिलाते हैं, देश में जोड़ देते हैं। ऊप को पहले ऊप को जोड़ देते हैं किस में? देश में। तो ऊप को देश में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? उपदेश। क्या बन जाएगा आपका? उपदेश। देखो, उपदेश बन गया ना, है पहला ये हो गया। अब दूसरा, चलो दूसरा देखो। दूसरा है पर, पर में हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे दो में एक जोड़ने से क्या हो जाता है? तीन। चार में दो जोड़ने से क्या हो जाता है? छ। इसी तरह हम जोड़ेंगे इनको। तो पर हो गया, पर में जोड़ेंगे क्या? देश। सब में देश जोड़ेंगे। तो क्या हो गया? पर में देश जोड़ेंगे तो मिलाकर पढ़ो तो पर देश। क्या हो गया? पर देश हो गया ना, पर देश। देखो यहां पर देश हो गया। ठीक। अब इसी तरह आगे हम चलते हैं तीसरा नंबर। स्व है, क्या है? आधा स्व है, वह है। इसको क्या पढ़ेंगे? स्व। तो स्व इसमें जोड़ देंगे हम क्या? इस देश को, देश को जोड़ देंगे। स्व में देश जोड़ देंगे। तो पढ़ो तो स्व देश, यानी कि एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्व और देश। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, केवल जोड़ देना है। तो क्या हो गया? स्व देश, ये आपका हो गया। अब चौथा नंबर है सम। ऊपर है बिंदु, स के ऊपर सम। इसमें भी हम जोड़ देंगे क्या? देश। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सन देश। संदेश आपका हो गया एक। ठीक है, अब आप लोगों को मैं केवल पढ़ने के लिए एक कविता बताऊंगा। बच्चों, ये पढ़ने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए। इब्न बतूता, पाठ का नाम है इब्न बतूता, शीर्षक है। ये एक कविता है, आइए इसको पढ़ते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई और थोड़ी घुस गई कान में। आगे देखिए, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उनके पैरों का जूता निकल गया। उड़ता उड़ता जूता उनका, उड़ता उड़ता जूता उनका, जा
पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो बच्चों, ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, आप लोग इसे याद कर लेंगे, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको एक संगीतमय रूप से गाइएगा, क्योंकि यह कविता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।